माय चैनल श्रद्धा सिंह लॉ, कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रेवल विद एंगेजमेंट पार्टी। मेरी देवरानी संजना के भाई का आज एंगेजमेंट है, तो हम लोग जा रहे हैं अपने सिटी गोंडा से नौगढ़ यानी सिद्धार्थ नगर जिला, और वहीं पे एंगेजमेंट फंक्शन भी है, वही संजना का यानी मेरी देवरानी का मायका है। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी तो ऑन द वे हैं, एक जगह कहीं ब्रेक लिया है चाय वाय पीने के लिए, और 10 बज रहे हैं सुबह के। और अब यहाँ से थोड़ा चाय वाय पी ले, थोड़ा फ्रेश हो जाए, क्योंकि हम लोग सुबह सिर्फ एक कप चाय पी के ही निकल आए हैं, डैडी घर पे रुक गए हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ मेरे साथ, मेरी फैमिली में कौन कौन मेरे साथ चल रहा है वहाँ पे, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सीधे एंगेजमेंट फंक्शन में। विशाल की यानी संजना के भाई का एंगेजमेंट है, तो वहाँ सबसे मिलाऊंगी, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मस्ती धमाल होने वाला है, और हम लोगों का डांस भी है। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना, इसके बिल्कुल मत करना, बहुत मजा आने वाला है। तो ये हम लोगों की चाय आ गई है एकदम गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली, और मेरे साथ है मेरी मम्मी, मेरा बेटा, और हम लोगों की हुई है यहाँ पे समोसा खा रहे हैं, टी ब्रेक खा रहे हैं, और साथ में है मेरे हस्बैंड, इधर देखे, और मेरे देवर जी वो वहाँ अंदर ढाबे के अंदर बैठे हुए दिख नहीं रहे, भी आते हैं। तो हम वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और अंदर चल के अभी फटाफट से मैं रेडी हो जाऊं, मैं मेरी मम्मी सभी लोग, क्योंकि हम लोग हाफ रेडी होके घर से निकले थे, तो चलते हैं अंदर। तो ये है विशाल, सबसे पहले विशाल को कॉन्ग्रेचुलेशन, आज इनके एंगेजमेंट फंक्शन में हम लोग आए हैं, तो कितनी खुशी है, पहली बार एंगेजमेंट हो रही है, एक ही बार होती है। तो यहाँ पे सबसे अभी मैं मिलाती हूँ, सबसे पहले मैंने सोचा दूल्हे से मिला दूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो सामने स्टेज जहाँ पे दूल्हा दुल्हन अभी थोड़ी देर में बैठने वाले हैं, और यहाँ सामने फ्रंट पे बेदी बनी है, मतलब एंगेजमेंट से गोद भराई से पहले जो पूजा होती है वो यहाँ पे होगी। तो सारे गेस्ट लगभग आ चुके हैं, और यहाँ मेरा बेटा देखे कितना मस्ती कर रहा है, और अभी फर्स्ट टाइम इन लोगों से मिला है, और वो धीरे धीरे सबसे घुलने मिलने लगा। पहले तो बहुत स्ट्रेंज मानता था सबको, बट अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। और यहाँ पे हो रहा है नाश्ता, तो सारा कार्यक्रम शुरू होने से पहले पेट पूजा होने की व्यवस्था यहाँ पर है। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ नाश्ते में क्या क्या है और क्या क्या मैं खाने वाली हूँ। और दूसरी तरफ संजना ब्लॉग बनाने में बिजी हैं, एक बार मैं आपको पूरा लुक दिखा दूँ। यहाँ पे अरेंजमेंट है नाश्ते की, यानी स्टार्टर आपका जो है, स्टार्टर मिठाई से ही शुरू हो रहा है, और यहाँ पे साथ में स्नैक्स भी हैं, चाउमीन टिक्की वगैरह, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ भीड़ है कि मैं नहीं जा रही। तो अभी यहाँ पे नाश्ते के बाद प्रोग्राम शुरू हो गया है, यहाँ पे जो गिफ्ट्स आते हैं लड़का लड़की की तरफ से वो अरेंज कर दिए गए हैं। एंड गाइज, वो जो लड़की वालों के साइड से उसमें वो एक डॉल रखी है ना, बहुत ही प्रिटी लग रही है, और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, बहुत ही प्रिटी लग रही है, और पूरे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, गिफ्ट के बीच में उसको बिठा दिया है। और यहाँ पे सारी लेडीज़ पार्टी है, पूजा शुरू हो गई है, जो लड़की और लड़के के फादर करते हैं इसको बरछकाई की पूजा बोलते हैं, तो ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद होगी गोद भराई, होगी हमारी प्यारी सी दुल्हन की एंट्री। तो अभी पूजा हो जाने दीजिए, और ये मेरी परी को देखो। तो हमारी प्यारी सी दुल्हन आ रही है, और दूल्हे राजा की नज़रें पूरी दुल्हन पे टिकी हैं। तो यहाँ पे विशाल की भी खिंचाई हो गई, तो मैं दिखाती हूँ दुल्हन यानी प्रिया जो है विशाल की होने वाली दुल्हन, वो उनकी एंट्री हो गई है। काफ़ी प्रिटी लग रही है, सुंदर सी सिंपल सा शोवर कलर का लहंगा है, एंड सिंपल शोवर मेकअप है उसी से मैच करता हुआ, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, प्रिटी लग रही है। और ये आई थिंक लड़की के साइड की भाभी बहने होंगी। तो यहाँ पे गोद भराई की रस्में शुरू हो गई है, चुन्नी डाल दी गई है, ये आंटी जी हैं यानी संजना मेरी देवरानी की मम्मी,
और सबसे पहले सास ने गोद भराई की है चुन्नी डाल के, और उसके बाद जितने भी बड़े हैं वो आएंगे वन बाय वन। और बोलते हैं कि सुहागन लोग आती हैं, और पहले 5-7 जितने भी आपके पास हों, जितने भी घर के बड़े हैं, वो गोद भराई करती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन सारे बड़े लोग आ रहे हैं, और संजना की फैमिली जो है ना बहुत बड़ी है। तो वहाँ यहाँ पे तो मैं देख रही थी लाइन लगी हुई है गोद भराई के लिए। और यहाँ पे आ गई है रिंग वाली प्लेट, तो यहाँ पे रिंग है दूल्हा दुल्हन के लिए, और अब होने जा रही है रिंग सेरेमनी। तो दूल्हे राजा पहनाने जा रहे हैं अपनी दुल्हनिया को रिंग, और प्रिया आई थिंक दुल्हनिया पहना चुकी है पहले ही, तो रिंग सेरेमनी हो गई है। काफ़ी पोज वोज देना पड़ता है ना, मतलब जिसकी इसकी इंगेजमेंट हो गई है वो सभी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है वरमाला, और हाफ शादी तो हो ही जाती है इंगेजमेंट में वैसे भी, तो यहाँ पे हो गई वरमाला, और सभी लोगों ने फूल छटक के आशीर्वाद दिया। और सासू माँ चुन्नी डालने के बाद, अभी यहाँ पे रिंग सेरेमनी के बाद जब हो गया ना कि हम फाइनल बहू है, तब उसको आ रही है अपना जो भी इन्हें ब्लेसिंग्स देनी है गिफ्ट के साथ, वो दे रही है। तो आई थिंक आंटी ने कड़ा पहनाया है, और अंकल भी हैं, और सामने संजना की दीदी हैं ये येलो लहंगा में, वो मेरी मम्मी हैं, मेरी सासू माँ पिंक साड़ी। तो अंकल जी सभी लोग अब जिसको जो भी देना है आशीर्वाद के साथ गिफ्ट्स वगैरह वो दे रहे हैं। मैं भी आई ऑब्वियसली, मुझे भी मिलना है, इनकी ननद की जिठानी हूँ मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग ही आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो भी उन्हें गिफ्ट्स देना प्यार से वो दे रहे हैं। तो अगेन लंच की शुरुआत भी जो है वो मिठाई से हो रही है, रसगुल्ले से, एंड ये है मिक्स वेज, साथ में मशरूम की सब्जी, पनीर है, दाल और पूड़ी है एंड राइस है। तो लंच करने के बाद मैं दिखा दूँ, अभी मैं लंच करके भी आ गई, लेकिन यहाँ अभी भी फोटो एंड आशीर्वाद वाला सिस्टम चल रहा है। तो एक बार मैं ओवरऑल आपको पूरा लॉन दिखाती हूँ जहाँ पे ये वेन्यू है एंगेजमेंट का वो, और अभी वहाँ कार्यक्रम थोड़ा लंबा चलने वाला है, और मैं वेट कर रही हूँ कब डांस वांस होगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे केक कटिंग हो रही है, दूल्हा दुल्हन सभी अपना अलग अलग बिजी है, दूल्हा दुल्हन बेचारे कुछ लोगों के साथ केक कट करके खा के एंजॉय कर लिया आपस में। तो यहाँ पे केक कटिंग हुई, और तो केक कटिंग के बाद फाइनली आया डांस का बारी, और यहाँ पे संजना और इनकी जो भी बहनें हैं कजिन्स हैं सभी डांस कर रहे हैं, और मैं भी गई थोड़ी देर बाद। मैं ढूंढ रही थी कौन मेरा वीडियो बनाए तो मैं डांस करूँ, तो मेरे हस्बैंड को वीडियो बनाने को देख के मैं डांस कर रही हूँ। के बाद आई हमारी प्यारी दुल्हनिया, वो भी डांस कर रही हैं, अभी फिलहाल वो सोलो परफॉर्म कर रही है, बट मैं गाना नहीं डाल सकती बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम। साथ देने दूल्हे राजा भी आ गए हैं, और अपने डांस की कला दिखा के इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दोनों डांस कर रहे हैं, कपल डांस, रोमांटिक सा, और बहुत ही सॉफ्ट सा सॉन्ग था कपल वाला, तो बहुत ही अच्छा लगा सब, ओवरऑल बहुत मज़ा आया। अभी एक साइड में डांस हो रहा है, दूसरी तरफ मनु भैया यानी मेरे देवर जी कैसे परी के साथ सो रहे हैं बेचारे, लग रहा है कि सारे फंक्शन का कारण इन्होंने किया, इतने थक चुके हैं, जगाते हैं चलिए इन्हें। तो आप सब गाइस बताइएगा आज का जो पूरा ओवरऑल फंक्शन था वो आपको कैसा लगा, दूल्हा दुल्हन की जोड़ी कैसी लगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। सो गाइस ढेर सारी कमेंट से इनको विशेस करिएगा इनकी नई नई मैरिड, आने वाली मैरिड, फ्यूचर मैरिड लाइफ के लिए। तो विशाल सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दीदी। हाँ, और कैसे दुल्हन बहुत अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू। तो आज मेरे चैनल का जो एंड रिक्वेस्ट होता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला, वो विशाल करेंगे। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दूल्हे के लिए तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।